गुड मॉर्निंग बच्चे, आज तुम लोगों को अक्षर ज्ञान जो पीछे बता भी चुके हैं, लेकिन मैं पुनः रिवीजन कर रहा हूँ, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। अभी तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, इसको भूल ना जाए, इसलिए मैं तुम लोगों को पुनरावृत्ति फिर से याद दिला देता हूँ। बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं, भूलने के क्रम में सब भूल जाते हैं, इसलिए तुम लोगों को अभी मैं संस्कृत वर्णमाला जो पिछले दिनों तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ, आज इसमें है अक्षर ज्ञान। कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, स्वर से भी व्यंजन से भी, और उसको किस प्रकार बांटते हैं उसको ध्यान से सुनो। पहला अक्षर जो है स्वर में क होता है, हिंदी और संस्कृत तीनों में बता रहे हैं, दोनों में बता रहे हैं। क अक्षर है, क से क्या होता है, अम्बा। अम्बा मीन्स माँ, क्लियर। और के बाद आ होता है, आस है आम्रम, उसका संस्कृत हुआ आम्रम, मीन्स आम। ई दो तरह का होता है, एक हॉर्स होता है, नील होता है। ई इसका एक शब्द है हिंदु, हिंदु मीन्स चंद्रमा। इसका बड़ा ही होता है ई, इसका उच्चारण में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है। छोटा ई जो है अल्प मात्रा में होता है, और बड़ा ई है उसको जोर देकर अधिक निबल देना, अधिक जोर दिया जाता है, ईसा ईश्वर। इसके बाद पुष्ट, उसे पुष्ट। इसके बाद उड़ा मीन्स ऊ। इसके बाद होता है ए, हेड़ा, हेड़ा मीन्स हिरण। आए, आए का संस्कृत एरावत, एरावत मीन्स, सो तुम लोग जानते भी हो एरावत हाथी का नाम है, इसलिए एरावत हाथी होता है। ओ से ओष्ठा, ओठ होता है। ओ यहाँ नया संस्कृत शब्द है औतु, औतु मीन्स बिल्ला, बिल्ला जिसको बिल्ली को कहते हैं। री ऋषि, ऋषि ऋषि होना। री रिकार, री वर्ण है, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ, अब आइए दूसरे पेज में। यहाँ दिखा रहे हैं ली, ली मीन्स लिकार होता है, ली वर्ण होता है। यहाँ तक तो अभी हम लोग स्वर वर्ण के बारे में बताए, अब व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के शब्द बना रहे हैं, व्यंजन वर्ण से शब्द बना। पहला क, क का एक शब्द बनेगा संस्कृत में कमलम, उसको कहते हैं कमल। ख, ख से खरजूरम, इस गर्मी के मौसम में जानते हो तुम लोग खाते भी हो गए खजूर।
इसके बाद ग, ग व्यंजन वर्ण है, वह एक शब्द हुआ गज, गज मीन्स हाथी। उसके बाद घ, घ का घोटका, घोटका मीन्स घोड़ा। ण अंकार, यह खाली शब्द है, क वर्ण में क्या क्या आया, क वर्ण में बांटा गया है क ख ग घ अंग, अंग खाली शब्द है इसलिए ण वर्ग। इसके बाद च वर्ग में आई च, चंद्र, चंद्र मीन्स चंद्रमा, जो रात में दिन में दिखाई देता है नहीं, रात में चंद्रमा। छ, छत्रम, छत्र मीन्स छतरी। इसके बाद ज, जलम, जलम मीन्स सब जानते हो, हाँ पानी। इसका झ है, स नी मछली। उसी प्रकार यह जो है क्या होता है, खाली, इसलिए यह वर्ण होगा। इसके बाद ट वर्ग में है, ट से टी टी व, जो इस समय उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में टिड्डी आ गई है, उसको टीडा कहते हैं, वो भी कीटाणु है, तो ट से टिड्डा। इसके बाद है ठ, ठठे, ठंकार, ठंकार इसमें ठठेरा जो अपने बर्तनों को बनाता है, जो फिगर में भी दिया हुआ है। ड, ड से डमरू, डमरू हुआ। ढ, ढ से ढक्का, इसको ढोल कहते हैं। इसके अगले पेज में देखो, थोड़ा है अलंकार, ये भी खाली वर्ण है, रावर्ग इसे नहीं बनता है। इसके आगे जो है ट, करु, करु मीन्स ए, था, हंकार, था वर्ण, ठीक है। आज जो है द, द से दुग्धम, दूध। ध, धेनु, धेनु मीन्स गाय, गाय का गौ भी होता है, यहाँ धेनु दिखाया गया है। न, नीम, नीम। प, प से लांडू, इसको प्याज कहते हैं। इसके आगे जो है ह, अलम, अलम मीन्स फल। इसके बाद है ब, बक, बगुला। भ, भ्रमरा, भ्रम मीन्स भौरा। म, मंडुका, मेढका। इसके बाद म पर, म वर्ग खत्म हो गया, य वर्ग में आ, य यज्ञ, यज्ञ जो पंडित जी जो हैं जग कराते हैं, उसको यज्ञ करते हैं।
रा सब शब्दार्थ जो है याद भी करना है। रंजू ने रसी, कभी कभी बच्चे पूछ देते हैं रसी का क्या हुआ, तो इसको ध्यान से सुनना, रंजू कहते हैं रसी। इसके बाद है ल, ल लता ने बे, तो लत्तर सवांग चढ़ जाता है पेड़ पर। वह वाटिका जिसको बाग कहते हैं, इसका संस्कृत उद्यान भी होता है, बगीचा बाग, समझे। आइए अभी वह हुआ है, इसी में और है। यहाँ तलाबी सौदा 300 होता है, एक तलाबी सौ होता है, एक मुद्रा सौ होता है, एक दंत सौ होता है, ठीक है। यहाँ देखो सुका मीन्स तोता, सुका मीन्स तोता, और तलाबी सौ है तो षट पद, षट पद यानी भौरा, और दंत सर से सर्प, पमी सांप। इसके बाद है हिमकरम, हिमकरम नया शब्द है जो इंग्लिश में तुम लोग जानते हो, लेकिन संस्कृत में इसका हिमकरम है, इसको ही संस्कृत में फ्रीज कहते हो, क्या कहते हो, फ्रीज। तो यह वर्ण खत्म हुआ है, इसलिए इस प्रकार वर्णों को एक साथ समूह में रख देने पर वह वर्णमाला हो जाता है। अब स्वर को बता दिए हैं और व्यंजन को भी बता दिए हैं, एक एक शब्द भी बता दिए। तो स्वर कितने हुए, 13 हुए स्वर, कौन कौन, अ आ ई उ री ली ली ए ऐ ओ ओ। अब 13 स्वर है, इन 13 स्वरों में इसमें भी बांटा गया है, स्वर 13 हैं, इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। ध्यान से सुनना, 9-10 में जाओगे या हमारे भैया लोग हैं, बहन लोग हैं, उनसे पूछेंगे तो भी सब भुला जाएंगे, इसलिए तुमको ध्यानपूर्वक सुनना है और यह स्मरण कर लेना है और याद भी कर लेना है, तब 9-10 में 5 या 10 नंबर का है, इसी वेले पूछा जाता है। बेस है, इस बेस को मजबूत रखना है, इसलिए 3 प्रकार के स्वर होते हैं, कौन कौन, पहला है हर्ष, हर्ष, दूसरा है दीर्घ, और तीसरा है संयुक्त, ठीक है। अब स्वर को संस्कृत भाषा में औच कहते हैं, क्या कहते हैं, औच। अभी ऊंचे क्लास के लड़के ने पूछो कि औच क्या है, नहीं बता सकते, इसलिए तुम लोगों को ध्यानपूर्वक सुनो, स्वर को ही औच कहते हैं। अब स्वर का मुझे का परिभाषा बता दो, तो ध्यान से सुनो, जिन्हें बोलने के लिए
क्या जिन वर्णों का उच्चारण किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, वह ऐसा वर्ण है जो किसी से सहायता नहीं मांगता है, वह जो है स्वर होते हैं। अभी बताए हैं कि अज क्या है, अज किसे कहते हैं, पीछे वाला लड़का, हाँ ध्यान से सुनो, अज स्वर को की कहते हैं। और कितने होते हैं, हाँ ठीक है 13। इसके अभी बताए तीन प्रकार के होता है, हर्ष, हर्ष है, हर्ष वर्ण 5 वर्ण आते हैं, हर्ष में 5 आते हैं। इसका डिफिनेशन हुआ, जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। अब प्रश्न होता है कि कौन कौन है सर, हर्ष वर्ण में कौन कौन वर्ण आते हैं, हाँ सुनो, अ ई उ री नृ, इसमें जोर देकर नहीं बना, हल्का में उच्चारण करना है, बहुत हल्का में, क्योंकि एक ही मात्रा का समय लेना है, ठीक है। दूसरा है दीर्घ, क्या है दीर्घ, इसमें 4 वर्ण होते हैं, दीर्घ में कौन कौन होते हैं, 4, जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, जिनको बोलने में कितने मात्रा का, 2 मात्रा का समय लगता है, इसमें कितने वर्ण होते हैं, तो 4 होते हैं। हर्ष से इसमें अधिक जोड़ देना है, समय लेना है, जैसे आ ई ऊ री, इसमें हर्ष ले समय अधिक लेंगे, तो यह हुआ कौन वर्ण, दीर्घ वर्ण। तीसरा बताए हैं संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण में 4 वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, 4 वर्ण, जो इसका परिभाषित कर रहे हैं, जो 2 स्वरों को मिलाकर बने होते हैं। वही मत करना कि एक स्वर होगा एक व्यंजन, नहीं, दोनों स्वर होगा, दोनों तरह स्वर होगा, जैसा कि मैं बना रहा हूँ, और उसको ध्यान पूर्वक सुनो, देखो अ धन ई, इधर भी अ स्वर है, इधर भी ई है, दोनों मिलकर आए ए हुआ, क्या हुआ ए। दूसरा है आ धन ई, दोनों दीर्घ है, आ भी दीर्घ है और ई भी दीर्घ है, यह हम कर आए हो जाता। चौथा तीसरा है अ धन ऊ, यह दोनों मिलकर ओ हो जाता है, क्या हो जाता है। अब आ धन ऊ दोनों मिलकर क्या हुआ, ओ, यह स्वर वर्ण का अभी तक हम पढ़ें। अब आगे तुम लोगों को बताएंगे व्यंजन वर्ण, क्योंकि
एक एक शब्द स्वर और व्यंजन से बनाकर बताएं, तो उसको बंटवारा करेंगे, अलग अलग भागों में बटे, जो स्वर का अलग अलग रूप दर्शा दिए बता दिए। अब प्रश्न आएगा इसमें भी, स्वर वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, हर्ष वर्ण किसे कहते हैं, दीर्घ वर्ण कहते हैं किसे कहते हैं, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, अच को क्या कहते हैं, ये सब सारी बातें जो हैं तुम लोगों को बता दिए और स्मरण रहना चाहिए, भुलाना नहीं चाहिए। अब आइए व्यंजन। व्यंजन को जिस प्रकार स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं, व्यंजन का भी कुछ नाम है। व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। अब इसका परिभाषित कर रहे हैं, जिन्हें बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। व्यंजन वर्ण जो है क्या है, स्वर की सहायता लेता है। इसकी सहायता लेता है, स्वर वर्ण की सहायता लेता, उन्हें क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन को संस्कृत में हल नहीं कहते। अब आगे प्रश्न है, व्यंजन सर तो बता दिए सर, लेकिन यह कितने होते हैं, तो इसका उत्तर हुआ ये 33 होते हैं। देखिए 33 को किस प्रकार बांट रहे हैं, 33 वर्ण होते हैं व्यंजन में, कितने होते हैं 33। अब इस 33 व्यंजन को हम किस प्रकार बांटते हैं, व्यंजन वर्ण को 5 भागों में 5 वर्ग में बांटा गया। कितने भागों में? 5 वर्ग में बांटा गया। पहला है कू, माने कू इज क वर्ग। दूसरा है चू, चू के मीन्स च वर्ग। टू ट वर्ग, टू त वर्ग, और कू क वर्ग। क वर्ग में का अर्थात, क वर्ग का अर्थात क ख ग ग। देखो इसमें व्यंजन वर्ण को क लिखकर एक तिरछी रेखा घींच देते हैं, उसको आगे अभ्यास में बताएंगे। तिरछी रेखा को क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं संस्कृत में? हलंत कहते हैं। उसी प्रकार च वर्ग, तो च छ ज झ ञ, इन सभी वर्णों से एक एक शब्द भी, एक एक शब्द भी बता चुके हैं। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। इसके बाद त वर्ग, त वर्ग में त थ द ध न, कौन कौन? त थ द ध न। इसके बाद प वर्ग, प वर्ग में प फ ब भ म। यह जो है 5 वर्ग हुआ। इस 5 वर्ण के वर्ण को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन।
क्या कहते हैं, अस्पर्श व्यंजन। एक वर्ग में पांच हुए तो कै गो वर्ग हुआ, एक दो तीन चार पाँच, तो एक वर्ग में पाँच तो पांच वर्ग में पच्चीस, पच्चीस हुआ तो पच्चीस वर्ण जो है यह अस्पर्श व्यंजन हो गया। अभी तुम लोगों को तैतीस व्यंजन बताएं, जो हमें पच्चीस को व्यंजन वर्ण को बता चुके हैं। अब कितने बचे, आठ बचे ना, आठ। आठ में देखिए अब प वर्ग तक खत्म हो गया है, अब बचा य। तो इसमें य वर्ग में क्या हुआ, य र ल व, कितने हुए, चार। कितने हुए, चार। यह चार जो है अंतस्थ व्यंजन हुआ। याद रखना, अस्पर्श व्यंजन में 25 और अंतस्थ में 4, य र ल व। क्लियर। एक है चार और कौन कौन, तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। यह उसमें व्यंजन, कौन व्यंजन, उसमें व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण को किसने भाग हुए, तीन भाग हुए, कौन कौन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण, जो क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण, पर वर्ण, और अंतस्थ व्यंजन में 4, जो य र ल व, और उस व्यंजन में तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। उसमें व्यंजन वर्ण समाप्त हुआ। अब दो चीज इसमें और बच गया है, मालूम है कौन कौन, नहीं तो सुनो। एक तुम लोग अनुस्वार पढ़े हो और दूसरा विसर्ग, क्या कौन याद रखना, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। इसका डिफिनेशन है, इसको अयोग वाह भी कहते हैं, अनुस्वार और दो को, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, अयोग वाह। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, तो क्वेश्चन कर सकते हो कि सर यह कहाँ रूप का, यह वर्ण का प्रयोग यह कहाँ किया जाता है, कहाँ, सुनो। स्वरों के बाद स्वर रहेगा, उसी के बाद यह दोनों जो है अनुस्वार और विसर्ग लगते। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तुम लोगों को स्वर और व्यंजन के बारे में बताएं, स्वर को भी दर्शा दिए कितने भागों में होता है और व्यंजन को भी वर्ण को बता दिए। अब आइए अक्षर ज्ञान के बाद मात्रा ज्ञान होता है, क्या होता है, मात्रा। इसमें अभी कुछ समय पहले हलंत का बताएं,
फलन अर्थात व्यंजन जिस शब्द के अंत में हो, जिस शब्द के अंत में हो यानी शब्द कौन व्यंजन रहे, एक तिरछी रेखा रहे यानी उसी को हलन करते हैं। ठीक है, जब व्यंजन के साथ स्वर आ जाता है तो पूर्ण रूप से व्यंजन लिखा जाता है, और स्वर अगर लुप्त हो जाता है तो वो क्या होता है आधा दिखाई देता है, जैसा कि इस बुक में भी दर्शाया गया है। देखो क है, क में हलन्त निकाल दिया है, आधा क दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार ख है, ख में हलन्त निकाल दिया है तो आधा क दिखाई दे रहा है। ठीक है, ग में आधा ग दिखाई दे रहा है। इस प्रकार लिखते हैं, कुछ स्वर और व्यंजन को मिलाकर व्यंजन बनाया है उसको देखा जाए। शुद्ध रूप में है, शुद्ध रूप में क व्यंजन को क के से तिरछी रेखा लिख देते हैं, इसमें अ मिला देंगे तो सस्वर व्यंजन यानी सस्वर व्यंजन का अर्थ हुआ है स्वर और व्यंजन। ठीक है, इसी प्रकार ख जो है आ मिला दिया और खा हुआ, जो नीचे उनको दर्शाया गया है कि उनको वीडियोग्राफी में देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद प्रमुख है इसकी संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को उसे यह तुम्हों को याद भी कर लेना है किस प्रकार यह बना हुआ है। दो व्यंजनों के संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जैसे छ है जो क्षमा होता है, छत्री होता है, तो किस प्रकार यह बनता है। क मूर्धस को स्वर जो है दोनों को मिला देंगे और तो यह छ बन जाएगा। यहाँ भी दिखाया है छ के तिरछी रेखा दिया हुआ है, इसलिए इसमें स्वर को भी मिला दिया गया। यहाँ तो दो व्यंजन को मिलाया गया है, यहाँ केवल क और स को दोनों व्यंजन को मिला गया है। जो छ बना है छ में अ जोड़े तो छ, उसी प्रकार त और र, त और र मिलकर त्र हुआ, जो पूर्ण रूप से नहीं है, इसमें व्यंजन मिलाने के बाद त्र बना है। ठीक है, तो छ और त्र मिला। अब यहाँ पर देखा जाए ज और य क्या बना है, य। बहुत लोग ज्ञानी लिखते हैं तो किस प्रकार बनता है य को, ये सब याद करना होगा। ज और य मिलकर य होगा। ठीक है, अब द और व मिलकर द्वा हुआ से, उसी प्रकार द और य मिलकर द्य, इसे अद्य होता है, इस प्रकार बना। द और ध मिलकर ध हो गया, ह और य मिलकर ह हो गया, है मैंने बिता हुआ कल होता है, इसको जो पढ़ना होगा। शस्त्र, शस्त्रा बाहु लिखा जाता है, तो स और र मिलकर शस्त्र हुआ। अब देखो यहाँ एक ऊपर रेप होता है और एक हलंत के जैसा होता है, उसे प और र मिलकर प्र,
प्रातः हो गया, पौर अमी का प्र हो गया, ठीक है। स तलावी स और अमी का स्र हो गया। इस प्रकार तुम को संयुक्त व्यंजन भी पढ़ा दिए। अब तुम लोगों को आता है, अब जो सारी वर्ण बताए हैं उसका वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन, वर्ण विन्यास एवं वर्ण संयोजन। विन्यास का अर्थ हुआ अलग करना, और संयोजन मतलब इकट्ठा करना। इसमें भी वर्ण को अलग करेंगे और जोड़ेंगे। जो सारी उदाहरण दिया हुआ है कि कठिन कठिन शब्दों का जो है वर्ण विन्यास किया गया है। यहाँ अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिन अक्षरों से बना हो उन सबको अलग अलग कर देना ही क्या होता है, वर्ण विन्यास कहलाता है, ठीक है। जैसे अम्मा, और जो है स्वर है इसमें व्यंजन नहीं है, और इसको प्लस नहीं बोलते हैं, क्या कहते हैं इसमें, धन बोलते हैं, क्या कहते हैं, धन। और धन मौ में हलंत है, धन ब, और ब को अभी बताए हैं, ब में तिरछी रेखा लेंगे तो उसमें स्वर निकल जाता है, आधा होता है। इस प्रकार ब धन आ क्या हुआ, अम्बा, ठीक है। अजगर, अजगर का अस्वर है इसलिए अ धन ज, ज लिख दिए, कहोगे कि ज लिख दिए सर तो यहाँ अ क्यों है, हाँ इसलिए ज में स्वर है तो स्वर को भी दर्शाएंगे, ज में अ है, अ धन ग धन अ धन र धन अ, ठीक है, अजगर हुआ। अब यहाँ है अश्व, अश्व इसका वर्ण विन्यास दिखाया गया है, अ धन स धन व धन अ। इसके बाद अनल क्या है, अनल अ धन न धन अ धन ल धन अ। इसके बाद है आम्रम क्या है, आम्रम, ठीक है। इसमें अभी रेफ आप और अब प्र बताए थे, उसे मो में नीचे पदेन है, इसको पदेन कहते हैं, मो में पदेन रहा है इसका, आ धन म इसको पदेन र है, ठीक है, र धन अ धन, ठीक है, आम्रम। और स्र बताया गया है, स्र का भी बताए हैं, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है आश्रम का, दिया हुआ है आश्रम, इसका क्या हुआ, आ धन तलाबी स धन र धन अ
धन म धन अ क्या हो गया है आश्रम। इसके बाद जो है यहाँ देखा जाए इच्छा क्या है इसका वर्ण विन्यास ई धन च धन छ धन आ क्यों हुआ है यहाँ आ लिखावट में पाई के समान देते हैं इसलिए आ ठीक है। ईस ईस बड़ा है धन लाविस धन ईस। इसके बाद है ऊपरी ऊपरी तो ऊ हो गया ऊपरी प हुआ प में अ बताए हैं क्योंकि प व्यंजन है उसके यहाँ अ लगाएंगे। इसके बाद र है तो यहाँ कह सकते हो कि पहले हर्षई है सर इसको बाद में लगा कर हाँ हर्षई ही कैसे लिखते हैं इसी तरह लिखते हैं इसलिए अंत में ठीक है। एक शब्द पहले पुष्ट बताया है उसका वर्ण विन्यास देखो जितने शब्द पहले बताए हैं उसी का वर्ण विन्यास बता रहे हैं। शुरू में अक्षर में एक एक शब्द बताए हैं उसका ही वर्ण विन्यास तुम लोगों को बता रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनो। ऊ धन स धन ट धन र ठीक है यहाँ पर ही पदेन है ट में पदेन है इसलिए र हुआ उसको ये मत कहना है कि ये री है नहीं र है र धन अ ठीक है। अब पूरा हाँ यहाँ तो पदेन हो गया यहाँ ग में देखो रेप हो गया उसको कहते हैं रेप। जिस व्यंजन वर्ण में या वर्ण में रेप चढ़ा रहता है तो उस रेप को पहले लिखते हैं कहाँ लिखते हैं उस रेप को र को पहले गए यहाँ देखा गया है कि र पर रेप है ठीक है र पर रेप है इसलिए ऊ लिख कर उस रेप को र लिखे तब र लिखे हैं तब अ क्लियर समझ में आ रहा है हाँ। इस तरह ध्यान रखना क्या ध्यान देना है जिस वर्ण पर है रेप उस वर्ण के लिखने के पहले उस रेप को लिखते हैं अधिकांश बच्चे भूल जाते हैं अगली कक्षा में जाने के बाद इसलिए मैं बेसिकली जो है तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं ध्यान रखना ये क्लास में भी जब ऊँचे क्लास में जाओगे तो इसको याद रखना कि वर्ण विच्छेद में ये आता है निश्चित आता है वर्ण विन्यास करने के लिए तो कहाँ पदेन को लिखेंगे कहाँ रेफ को लिखेंगे जिस वर्ण में डालेगा उस वर्ण के पहले र को लिख देते हैं न पेन गुण का देखो वर्ण विन्यास ऊ लिखा हुआ है र प रेफ है इसलिए र लिखे हैं क्लियर होगा ठीक है। इसके बाद आइए ए स ए धन स धन अ जहाँ जहाँ दिक्कत बोली कठिनाई है उसको मैं बताते चल रहा हूँ और जो आसान है उसको आगे लेकर भाग रहा हूँ। ए तर ए धन त धन त तब त देखो यहाँ हलंत है कह सकते हो यहाँ और नहीं लिखा हुआ है स्वर अंत में नहीं क्योंकि एक तप स्वर के साथ है और दूसरा त जो है इसमें स्वर नहीं है ठीक है।
अब यहाँ आओ एरावत, एरावत यहाँ कर दो, एकार ऊपर में रहे नीचे, यहाँ स्वर है जो बताए हैं दीर्घ स्वर है ना, तो इसमें आए धन र, धन आ, धन व, धन अ, धन त, धन अ, ठीक है। एरावत ओष्टौ ओ धन मधनी स धन ठ धन अ, औषधि अ धन मधनी स धन अ धन ध धन ई, अंगुष्ठ अ धन म, हाँ यहाँ पर प्रश्न कर सकते हो कि यहाँ म नहीं है सर, म आ गया है ना, ध्यान से देखो सुनो, अ पर जो अयोग बाह बताए हैं, बताए ना अयोग बाह अनुस्वार और विसर, तो वहाँ क्या बोले हैं स्वर के साथ आएगा, क्या बोले हैं स्वर के साथ आता है, तो अ क्या है स्वर है ना, अ और यह जो अनुस्वार है म, आधा म हो जाता है, इसलिए यहाँ म दिखाया गया है, ग धन ऊ बाविस ठ और अ, क्लियर हुआ, अनुस्वार और विसर्ग जो है अयोग बाहर में आता है जो स्वर के साथ लगता है, जो बता चुके हैं, उसी प्रकार अंगुली अ धन ब धन ग धन धन ली, यहाँ देखो यहाँ पर ली इस बुक में मिसप्रिंट है या गलत है, ल ली कर धन होना चाहिए और यहाँ बड़ा ही दर्शाना चाहिए, लेकिन इसी में ली दे दिया है, ये गलत है, यह विधि के अनुसार नियम के अनुसार यह गलत हो गया, इसलिए बड़ा ही होना चाहिए। अब आइए ऋतु, हरी धन त धन को, अब यहाँ है गृहम, गृहम यहाँ ऋकार है, ग लिखा हुआ है री, संयुक्त व्यंजन है री हुआ है, अ धन अ धन गृहम हो गया, ऋकार तुम लोगों का एक शब्द बताए ऋकार, री धन क धन आ धन र धन ह, इस प्रकार मुनि म धन उ धन न धन ह, गुरु गुरु ग धन उ धन र, यहाँ उकार दिखाया गया है इसलिए पितृ प धन ई धन त धन री, कक्षा कक्षा यहाँ देखो छ है जो संयुक्त व्यंजन है जो बताए हैं किसके साथ बनेगा, पीछे अभी बता चुके हैं वह किस वर्णों से बनता है, यहाँ पर भी बता रहे हैं क धन अ धन क धन स पल्लवी स धन आ कक्षा, ठीक है। उसी प्रकार कमलम हुआ, कमलम है ना, कमलम को बना सकते हो बन जाएगा, ठीक है। खेचर ये भी बन जाएगा, बना लोगे, ठीक है। अब यहाँ है गर्जम, क्योंकि ऊपर रेप है
इसलिए मैं रेब और पदेन वाला दोनों को समझा देते हैं और जो आसान है उसको बना लेना समझ। गर्जनम, गर्जनम जो है ग धन अ धन र धन ज धन अ धन न धन अ धन म, क्या हुआ गर्जनम। घोटका, घोटका घ धन ओ धन ट धन अ धन क धन अ, घटकम हुआ। उसी तरह घटा है, घटा भी बना सकते हो, चमच है ये भी बना सकते हो। यहाँ आओ छत्रम, छत्रम छत्रम जो है त्र लिखा हुआ है, त्र लिखा हुआ है इसलिए त्र को पीछे भी बता चुके हैं कि त्र किस तरह बनता है। देखा जाए कि छ धन अ धन त धन र धन अ धन म, ठीक है। छत्रम त्र को वर्ण विन्यास पीछे भी संयुक्त व्यंजन में भी बताए हैं कि छत्रम किस प्रकार, त्र को किस प्रकार लिखते हैं। दिक्कत उस तरह जलम है ज धन अ धन ल धन अ धन म, ठीक है। अब यहाँ टिटी भ, टिटी भ यहाँ संयुक्त में है, टर्टल संयुक्त है, नीचे भी दिया है दुगुट, इसको किस प्रकार वर्ण विन्यास करेंगे इसको देखा जाए, ठीक है। देखो ट धन ई, ठीक है, यहाँ दो ट लिखा हुआ है इसमें दोनों ट को लिखते हैं, धन ट ई धन भ धन अ, टी भी, ठीक है। अगर संयुग में ठक्कर तो ठ धन अ क धन अ धन र धन अ, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो धर्म ऊपर धर्म रेब का है, ध जो पीछे बता चुके हैं लेकिन और उदाहरण दे रहे हैं, ध धन अ कहाँ बताए थे ऊपर रेप रहेगा तो कहाँ लिखेंगे, हाँ व्यंजन जिस व्यंजन वर्ण पर रेप रहता है उसके पहले लिखते हैं, याद तो है, ठीक है। धन अ धन र धन म धन अ धर्म। यहाँ एक और तुम्हों को बता रहे हैं नौक्र, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, अगर नीचे रहेगा पदेन में तो उस वर्ण को पहले लिख देते हैं और तब बाद में रह लिखते हैं, और ऊपर रहेगा ऊपर रेब रहेगा तो पहले क्या लिखेंगे, ऊपर रेब का रह लिखते हैं तब तो उस वर्ण को लिखते लिखते हैं। नौकर है न धन अ धन क धन र धन अ, ठीक है। एक है मत्स्य, क्या है मत्स्य, यानी दो संयुक्त व्यंजन है आधा आधा
आधा त है आधा स है। इसका भी देख लो, म धन अ धन त धन स धन य धन अ, ठीक है। मत्स एक शब्द बताए थे यज्ञ, ज्ञ को वर्ण विन्यास कहेंगे, ज्ञ को बताए हैं, जौर और य मिलकर य मिलकर होता है, ठीक है। इसी प्रकार य धन ज धन य धन अ, ठीक है। और इसके बाद बारंबार तुम लोगों को दोहरा रहे हैं पदेन और रेफ पर ध्यान देना, यहाँ किन बता रहे हैं, वक्र र कहाँ है, पदेन में है, इसलिए वर्ण जो है जिस वर्ण में है उस वर्ण के बाद र लिखते हैं। तो क्या लिखाएगा, व धन अ धन क धन र धन अ, ठीक है। इसी प्रकार क्या है, सर्प, क्या है सर्प, ऊपर रेफ है, प पर रेफ है, इसलिए प के पहले रहना चाहिए, ठीक है। स धन अ धन र धन प धन अ, ठीक है। एक शब्द है हिमांद्री, हिमांद्री है, हिमांद्री है, अ धन ई धन म धन आ धन द धन र धन ई, हिमांद्री हो गया। इस प्रकार एक शब्द है तो जहाँ तक समझ में आ रहा है तो बन जाएगा, नर है बाल है छात्रा है नारी है मांद्र मुस्का। सूर्य के देखो, सूर्य 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 स धन उ धन र धन य धन अ, ठीक है। सूर्य हो गया। एक और है प्रसन्न, प में पदेन है, पदेन वाला बताएं कि वर्ण को लिखने के बाद र लिखते हैं, याद रहेगा। तो प धन र धन अ धन स धन अ धन न धन न धन अ, ठीक है। प्रसन्न हो गया। युद्ध, युद्ध करना, यहाँ देखो द्वा है, द्वा द्वा मिलकर बना है, जो किस प्रकार बनता है उसको संयुक्त व्यंजन में बता दिए किसके साथ बनता है। य धन उ धन द धन ध धन अ, युद्ध हो गया। यहाँ देखो द्वि, द्वि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द्वि द धन व धन ई, ठीक है। इसके बाद यह है संध्या, संध्या स धन अ धन म ध धन य धन आ, यहाँ दिया हुआ है श्रमिक, श्रमिक स दिया हुआ है, स को वर्ण है, इसको विच्छेद बता दिए किन वर्णों से बनता है, स धन र धन अ धन म धन ई धन क धन अ। और है विद्या,
विद्या जो है बनता है, जो पीछे बता चुके हैं। इसका वर्ण विन्यास होगा व धन ई धन द धन य धन आ विद्या। उसी पर विद्या के समान यद्यपि है, क्या है यद्यपि य धन अ धन द धन य धन अ प धन ई। इसी प्रकार वर्ण विन्यास समाप्त हुआ। पदों का विन्यास करने पर जो अक्षर अंत में होता है, यानी पदों का विन्यास करने पर जो अक्षर अंत में होता है उसी के नाम से वह पद जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अब देखा जाता है कि पदों के विन्यास करने पर, यानी विन्यास मीन्स अलग अलग करने पर ने जो अक्षर प्राप्त होता है उसी के नाम से वह पद जाना जाता है। जैसे अम्बा कहे, ठीक है, अम्बा, और यह जो है अम्बा कहने पर हम लोग कन्फ्यूजन में हो जाएगा कि अकारांत है कि इकारांत है कि उकारांत है कि आकारांत है। अभी हम तुम लोगों को बताए हैं कि यह विन्यास करने पर अंत में जो आता है वह क्या कहलाता है, पद जाना जाता है। जैसे अम्बा का विन्यास हुआ अ धन म धन ब धन आ, आ हुआ, आ हुआ ना, तो यह आकारांत हुआ। क्या हुआ? आकार, ठीक है। तो पद के अंत में जो वर्ण जिस तरह का वर्ण आएगा वही पद कहलाता है। यहाँ अम्बा में आ हुआ है, यह आकारांत हुआ है। इच्छा में भी आ आया है, ये भी आकारांत हुआ है। अब यहाँ देखा जाए कि राम है तो राम का वर्ण विन्यास र धन आ धन म धन अ, तो आया है, तो अ क्या है, आकारांत हुआ, आकारांत नहीं, क्या हुआ, अकारांत हुआ, ठीक है। उसी प्रकार नदी जो है, नदी का, नदी है ना, न धन अ धन द धन ई, ई दीर्घ ई है, तो इकारांत हो गया। क्या हो गया? इकारांत, इकारांत हुआ। यहाँ देखो रवि, रवि र धन अ धन व धन ई, ई जो है बड़ा अल्प मात्रा में है, अल्प मात्रा का बोलता है, यह इकारांत हुआ, ठीक है। यह पद को बता रहे हैं आकारांत, आन आकारांत, अकारांत, इकारांत, इकारांत। और ऋकारांत में देखो मातृ है, और इसका विन्यास जो है म धन आ धन त धन री, यह हुआ ऋकारांत, ठीक है। साधु, साधु हुआ स धन आ धन ध धन उकारांत हुआ, ठीक है, यह उकारांत हुआ। और राजन, राजन में देखो हलंत दिया हुआ है, न में हलंत है, तो यह हलंत हो गया, हुआ ना। अभी बताए हैं जो अंत में अक्षर आएगा उसी के नाम से पद का
विन्यास पद कहा जाता है। तो राजन का वर्ण विन्यास जो है र धन आ धन ज धन अ धन न में हलंत है ना, यह होगा नकारण हलंत। उसी प्रकार भवत है भ धन अ धन व धन अन, यह हो गया आकार। ठीक है, और आकारांत में आकार का आकार अकारांत हुआ संस्कृत में इसको। ठीक है, अकारांत का ज्ञान हो गया, आकारांत का हो गया, इकारांत का ज्ञान हो गया, अकारांत का ज्ञान। ठीक है, और एक और है वर्ण विन्यास पढ़ा दिए, अब इसमें भी एक बताए थे वर्ण संयोजन, इसका भी देख लिया जाए वर्ण संयोजन क्या है। वर्ण संयोजन वर्णों को पुनः जोड़कर लिख देना वर्ण संयोजन कहलाता है। क्लियर, फिर से सुनो, वर्ण संयोजन वर्णों को पुनः जोड़कर लिख देना वर्ण संयोजन कहलाता। जैसे अब यहाँ देखो, अभी वर्ण विन्यास पढ़ाए थे और वर्ण को जोड़ देना है। जैसे उदाहरण है स धन उ धन र धन य धन अ, यह मिलकर क्या होगा लिखना है, तो लिखाएगा सूर्य, क्या लिखा गया सूर्य। दूसरा है म धन री धन ग धन अ, यह मिल क्या बन गया मृग। ठीक है, एक और देखो व धन री धन क धन स धन अ, यह मिलकर क्या हुआ वृक्ष। दूसरा देखो र धन अ धन त धन न धन अ धन म रत्नम। ठीक है, यहाँ देखो ल, तुम लोगों को बताना होगा ल धन अ धन क धन स धन म धन ई। सेकेंड बेंच बताओ, नहीं फर्स्ट बेंच कोई नहीं, लक्ष्मी क्या बना लक्ष्मी, इस तरह बनाओ तब ना समझेंगे। आगे देख रहे हैं, देखो प धन अ, ध्यान से सुनना त धन र धन अ धन म, क्या हुआ हाँ पत्रम। ठीक है, पत्रम हुआ। अब एक और देखो अ धन न धन न धन अ धन म अन्नम। ठीक है, और देखो प धन उ धन धनी स धन प धन अ धन म, क्या हुआ पुष्पम। ठीक है, प धन अ धन न धन द धन उ धन क धन अ धन म कंदुकम। ठीक है, एक अंत में मैं देखो बोल रहे हैं च धन अ धन क धन र धन अ धन म, क्या बनेगा चक्रम।
ठीक है, ऋतु वर्ण संयोजन बता दिए, वर्ण विन्यास बढ़ा दिए, अब कुछ इम्पोर्टेंट है उसको भी सुन लो। स्वरों का प्रयोग ध्यान से सुनना, स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, ठीक है। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है। री वर्ण एक स्वर है तथा इसका दीर्घ नहीं होता है। उच्चारण करते समय संयुक्त वर्ण से पहले वाले अक्षर पर ध्यान देना चाहिए। शुद्ध व्यंजनों को लिखते समय उन्हें आधा या उनके नीचे हलंत लगाकर लिखना चाहिए। स्वर मिल जाने पर वर्ण हलंत को छोड़ देता है। ध्यान देने याद क्या रखना है इसको भी ध्यान से सुनो। संस्कृत भाषा के वर्ण संयोग में हमें विनम्रता सिखाते हैं, जैसे जो वर्ण स्वर से युक्त अव्यय भाषा में चलने जो होते हैं वे स्वर रहित अक्षरों को विनम्रता से शीर्ष पर उठा लेते, ठीक है। दूसरा है विसर्ग आयोग वा वर्ण विश्लेषण अथवा वर्ण संयोजन करते हुए भी इसे अंतिम स्वर के साथ ही लिखा जाता है। ध्यान रखना विसर्ग आयोग दो बताए हैं, जो विसर्ग और अनुस्वार होता है बस किसके साथ होता है, स्वर के साथ, इसके साथ स्वर के ही साथ होता, ठीक है। थर्ड में है हर्ष स्वरों के उच्चारण में, हर्ष स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है जो लगभग एक ताली बजाने में लगता है उतना ही लगता है। दीर्घ स्वरों को बोलने में दो मात्रा अर्थात दो ताली बजाने में लगता है। इतनों को अभी बता दिए, वर्ण संयोजन जो दोनों कक्षाओं में यह फंडामेंटल है, यह जितना बताए हैं उसको याद रहेगा तो ठीक रहेगा। धन्यवाद।